गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, लास्ट क्लास में हमने देखा था मिस्टर रैबिट ने प्रैंक किया था मिस्टर एलिफेंट और मिस्टर व्हील के साथ। यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दी गई हुई है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन वन, व्हाट आर द स्पेशल फिजिकल कैरेक्टरिस्ट ऑफ द एनिमल्स ऑफ दिस स्टोरी। इस स्टोरी में फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो जो एनिमल्स से कौन कौन से थे, जैसे कि एलिफेंट इज अ बिग एनिमल, इट हैज़ बिग ईयर्स एंड ए स्मॉल टेल, इट हैज़ लॉन्ग ट्रंक, द व्हेल इज अ बिग मैमल, द रैबिट इज अ स्मॉल एनिमल, इट इज वाइट एंड इट हैज़ अ स्मॉल टेल। व्हाई डिड द रैबिट प्ले अ ट्रिक, रैबिट ने क्यों ट्रिक किया था, बिकॉज ही वॉन्टेड टू हैव सम फन। डिड मिस्टर रैबिट रियली हैव अ काउ, नो मिस्टर रैबिट डिड नॉट हैव अ काउ। What happened when they pulled each other? दोनों ने एक दूसरे को खींचा तब क्या हुआ था, रोप जो है वो ब्रॉक हो गई थी और दोनों गिर गए थे। ओके, वो वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट, मिस्टर रैबिट, मिस्टर व्हेल और मिस्टर एलिफेंट। कौन स्ट्रांग था, मिस्टर व्हेल एंड मिस्टर एलिफेंट दोनों स्ट्रांग थे। Now activity 6, read the sentence about the steps taken by the Mr. Rabbit. आपको ये activity read करनी है। Mr. Rabbit got a very long and strong rope. Mr. Rabbit bought a big drum and hid it in the bushes. Mr. Rabbit asked Mr. Whale to help him bring out the cow stuck in mud. Mr. Rabbit pleased Mr. Whale by saying that no one is as strong as Mr. Whale. Mr. Rabbit pleased Mr. Elephant by saying that he is strongest, strong and big. Mr. Rabbit asked both of them to pull the rope where he beats the drum. Now answer the questions. Did you like the prank played by Mr. Rabbit? Yeah, Mr. Rabbit ne jo prank kiya wo aapko acha laga? Yes or no? यस, हमें अच्छा लगा था ना, मजा आया। वाई, व्हाट डिड यू लाइक मोस्ट अबाउट मिस्टर रैबिट, मिस्टर रैबिट के बारे में आपको क्या अच्छा लगा, जैसे कि वो क्लेवर था। ठीक है, आपको लिखना है। नाउ एक्टिविटी 7, वर्क इन ग्रुप, कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट लाइक पेंसिल्स इरेजर फ्रॉम ऑल दिस ग्रुप मेंबर्स एंड कंपेयर देयर साइज, यूज एक्सप्रेशन लाइक एस, लॉन्ग एस, लॉन्गर देन, द लॉन्गेस्ट, एस बिग एस, बिगर देन द बिगेस्ट। यहाँ पे आपको ग्रुप में मिलके एक दूसरों की साइज, पेंसिल इरेजर जिसकी है वो साइज मैच करनी है, और आपको ये सारे यूज करने वर्ड्स जो आपको दिए हुए हैं, जैसे कि माई पेंसिल इज एस लॉन्ग एस योर पेंसिल, फिर रीता पेंसिल इज लॉन्गर देन माई पेंसिल, नीतूस पेंसिल इज द लॉन्गेस्ट। ठीक है, ऐसे करके आपको सेंटेंस बनाने हैं। Now read the following sentence about Laura and then answer the question about her family. Hello, my name is Laura. इस लड़की का नाम क्या है, Laura. I am 11 years old. Laura जो है वो 11 years की है. This is my family. My mummy is taller than my dad. My mummy जो मेरे dad से लंबी है, height उनकी बड़ी है. My uncle Pablo is 35 years old and my auntie Betty is 30 years old. अब जो पैब्लो है उनकी अंकल जो है उनकी एज है 35 इयर्स और आंटी जो है वो 30 इयर्स की है, यानी पैब्लो अंकल जो है वो उनसे 5 साल बड़े हैं। दे आर बहुत छोटर देन मम्मी, और वो दोनों अपनी मम्मी से छोटे हैं। आई ऑल्सो हैव अ लिटिल कजिन बैंग मैन एंड ही इज ओल्डर देन माई लिटिल सिस्टर। उसका एक छोटा भाई है कजिन जिसका नाम बैंगमैन है, और वो उससे भी उनकी छोटी है बहन जिसका जो बैंगमैन से छोटी है, वो सबसे छोटी है। वो टॉलेस्ट, सबसे टॉलेस्ट कौन था, हाइट किसकी लंबी थी, लॉरास मदर। वो इज द यंगेस्ट, यंगेस्ट कौन है, लॉरास सिस्टर इज द यंगेस्ट, सबसे छोटी है। द लॉरास फादर टॉलर देन हर मदर, क्या लोरास के फादर उसके मम्मी से बड़े थे, नो लोरास फादर इज शॉर्टर देन हर मदर। हु इज ओल्डर, बेटी और पेब्लो, कौन बड़े थे, पेब्लो, यस पेब्लो अंकल जो थे वो बड़े थे, पेब्लो इज ओल्डर देन बेटी। एक्टिविटी 9,
Read the following articles and answer the question about CD-ROM and the books. Truly amazing. ये जो पैराग्राफ है आपको CD-ROM और बुक का कंपैरिजन करके दिया हुआ है. देखो, ऑल द इंफॉर्मेशन इन द एरोमस एंड एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका नाउ कम्स ऑन वन स्मॉल डिस्क. पूरे एनसाइक्लोपीडिया की इंफॉर्मेशन जो है वो एक डिस्क में आ जाती है. विच डू यू प्रीफर, CD-ROM और द सेट ऑफ 30 बुक्स. हम आपको 30 बुक्स चाहिए या CD-ROM चाहिए, लेट्स कंपेयर दें. अब हम उन दोनों की कंपेरिजन करेंगे, फिर आपको सिलेक्ट करना है आपको कौन सी चाहिए. द CD-ROM इज स्मॉलर एंड लाइटर देन द बुक्स एंड इट्स चीप. जो CD-ROM है वो बुक से छोटा है, वजन भी उसका कम है और वो सस्ता भी है. वी थिंक इट्स मोर इंटरेस्टिंग टू बिकॉज इट हैव वीडियो एंड साउंड. और जो CD-ROM है उसमें साउंड्स और वीडियोस भी ऐड होते हैं, इससे हमें लगता है कि वो इंटरेस्टिंग भी है. यू कैन हियर एनिमल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड फेबुलस पीपल टॉकिंग. इसमें आप एनिमल्स की साउंड सुन सकते हो, इंस्ट्रूमेंट्स की साउंड सुन सकते हो, पीपल जो बातें करते हैं उसको रिकॉर्डिंग की भी सुन सकते हो. सो सम पीपल मे थिंक 30 बुक्स आर गुड. कोई सोचता है कि 30 बुक्स जो है वो गुड है, बट वी थिंक द CD-ROM इज बेटर. वॉट डू यू थिंक, लेकिन हमें लगता है कि CD-ROM जो है वो बेटर है. आपको क्या लगता है? विच इज हैवियर, द सेट ऑफ 30 बुक्स इज हैवियर. विच ऑफ द आर्टिकल इज मोर बोरिंग, कौन सा आर्टिकल बोरिंग है? The books are more boring. Are the books bigger than the CD-ROM? Yes, the books are bigger than the CD-ROM. Is the CD-ROM more expensive than the books? No. The CD-ROM is the cheaper than books. CD-ROM जो थे वो books से cheaper थे, सस्ते थे. Activity 9. Weight and measure different things you have at home. Write 4 sentences comparing the size, weight, etc. 1 is done for you. आपको घर की चीजें जो पड़ी हैं वो आपको क्या करनी है? Measure करनी है. जैसे कि my brother cycle is bigger than mine. मेरे भाई की जो साइकिल वो मेरी से साइकिल से बड़ी है. The ball I have is bigger than the one my brother has. मेरे भाई के बॉल से मेरा बॉल बड़ा है. ऐसे आपको सेंटेंस, आपको अपने घर में जो चीज़ है उसको मैच करके लिखना है. जैसे मैं एक आपको बोलती हूँ, माई सिस्टर्स बैग इज हैवियर देन माई बैग. मेरी बहन का जो बैग है वो ज़्यादा हैवी है मेरे बैग से. माई बैग इज हैवियर देन माई ब्रदर्स बैग. लेकिन मेरा जो बैग है वो मेरे भाई के बैग से ज़्यादा वजन वाला है. तो आपको ऐसे अपने घर की जो चीज़ें हैं उसका हाइट और वेट मेजर करके यहाँ पे सेंटेंस लिखने हैं. Activity 10. Look at these pictures and compare them using the adjective in the box. आपको यहाँ पे बॉक्स में big, expensive, fast, heavy, light, slow, small and comfortable. ये सारे adjectives दिए हुए हैं. आपको क्या करना है, ये जो तीन चीज़ें हैं कार, एरोप्लेन एंड साइकिल, इसका यूज करके आपको सेंटेंस बनाना है. जैसे कि an aeroplane is bigger than a car. जो एरोप्लेन है वो कार से बड़ा है. A car is bigger than cycle. और जो कार है वो साइकिल से बड़ी है. An aeroplane is more expensive than a car. जो एरोप्लेन है वो कार से ज़्यादा महंगा है. A car is more expensive than a bicycle. और कार जो है वो बाइसिकल से महंगा है. ऐसे आपको इसमें से जितने सेंटेंस मिलते हैं वो आपको यहाँ पे स्पेस दी हुई है, इसमें आपको टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करने हैं. ओके, ये जो सेंटेंस है वो आपको टेक्स्ट बुक में लिखने हैं. ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे.